नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका मोस्ट वेटेड जो क्वेरीज हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे ऐसे इंग्लिश के शब्द जिनका सेंस हम बच्चे को आइडेंटिफाई करना मैम कैसे सिखाएं, इसी सीरीज की कंप्लीट जो हमारी चल रही है बेसिक इंग्लिश हम बच्चे को जो सिखा सकते हैं उसकी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बच्चे को सिंपल यूज ऑफ इट, जो छोटा बच्चा है हमारा नहीं जानता, उसे अगर हम इट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी लैंग्वेज में, उसकी इंटेलिजेंसी में, तो किस तरीके से इस वर्ड को, इट को, उसकी लाइफ में हम उतार सकते हैं। तो बेस्ट है कि हम उसके साथ इस इट का यूज करें, नॉट ओनली विद द बुक्स, कि बुक्स में उसे कुछ दिखाएं, हमें यूज करना होगा उसकी डे टू डे लाइफ में इट का यूज। तो हमें उसे पहले इट जो है उसका सेंस नहीं बताना है, उसे हिंदी में उसका मतलब नहीं बताना है, उसे रियल में उसके जो व्यवहार है उसमें बच्चा ले आए, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो अलॉन्ग विद यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी है, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद रेदर देन दिस बुक आप उसकी लाइफ में जितनी भी आसपास उसके इमेजेस हैं उसकी हेल्प से प्रैक्टिस कराएंगे कि बच्चा इट को इंट्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है कि ये बैट है, तो फर्स्ट इन्होंने यही पूछा है इट इज अ बैट, इट इज अ बैट, तो बच्चे से रिपीट करने के लिए कहेंगे इट इज अ बैट, इट इज अ बैट, इट इज नॉट अ बॉल। तो अब बच्चा अपने आप आइडेंटिफाई कर सकता है कि यह बैट है, यह बॉल नहीं है। तो अब नेक्स्ट में ऐसा हो सकता है दो से तीन जो है वो इमेजेस की हेल्प से आप बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इट इज एन एग, इट इज एन एग, और उसके बाद इट इज नॉट एन ऑरेंज, इट इज नॉट एन ऑरेंज, आप उसे प्रैक्टिस करा रहे हैं कि यह एग है, यह ऑरेंज नहीं है। अब इसके बारे में आप पूछेंगे बच्चे से कि इसको आप बोल के बताइए व्हाट इज दिस, तो अब बच्चा यहां पे बताएगा इट इज अ कंप्यूटर सेट, इट इज अ कंप्यूटर सेट, इट इज नॉट अ मोबाइल सेट, ये मोबाइल सेट नहीं है, ये क्या है, कंप्यूटर सेट है। ऐसे ही आप कोई भी इमेजेस जो उसे पसंद हो, अगर उसकी पसंदीदा इमेजेस, उसकी पसंदीदा कोई चीज आप उसे दिखाएंगे तो वो और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। इट इज अ डक, इट इज अ डक, इट इज नॉट अ स्वान, इट इज नॉट अ स्वान, तो आप बच्चे को बता देंगे ये चीज। सेम आप उसकी डे टू डे लाइफ में उससे वर्ड जो है वो कोरिलेट भी करवाएंगे, तभी बच्चा इन्हें अपने व्यवहार में लेके आ सकता है। तो बहुत छोटी सी चीजें हम बड़े के लिए, बट बच्चों के लिए इसे समझना, इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें उसे इजी बनाना है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज, विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ डेली वोकैबुलरी एनहेंसिंग ड्रिल्स। Then it is a train, यह ट्रेन है, तो अभी बच्चे को आपको यह भी बताना है कि यह ट्रेन है, ये कोई ट्रैम, इट इज नॉट अ ट्रैम, ये कोई ट्रैम नहीं है। तो ऐसे ही उससे रिलेटेड जंबल जो भी चीज हो, ये वो नहीं है, दिस इज अ शू, दिस इज नॉट अ स्लीपर, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज, दिस इज अ टाई, दिस इज नॉट अ बेल्ट, कुछ भी ऐसा जो उसने स्कूल में पहना हुआ, दिस इज जो भी आपके उसके पास बुक है, तो दिस इज सॉरी इट इज अ बुक, इट इज नॉट अ कॉपी। तो इट का इंट्रोड्यूस जो है हम करा रहे हैं, ऐसे हम दिस का करा सकते हैं, किसी भी और वर्ड का करा सकते हैं, जैसे इट इज अ कार, इट इज नॉट अ जीप, इट इज अ कार, इट इज नॉट अ जीप। तो बेटर होगा कि स्टार्टिंग में आप कुछ इमेजेस दिखाएं, उस इमेजेस की हेल्प से आप इट को इंट्रोड्यूस करें, और फिर उसके बाद विदाउट इमेजेस जो भी उसके पास चीजें हैं, जो वो उन्हें अपीयरेंस को फील कर सकता है, उस अपीयरेंस से आप इट को उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। इन छोटे से टॉपिक्स को आप अपनी डेमो क्लास में भी ले सकते हैं, अगर आप पीआरटी के लिए, केवीएस में, डी ट्रिपल एस बी में कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, प्ले ग्रुप के लिए कहीं जा रहे हैं, किंडरगार्टन के लिए जा रहे हैं, तो दीज आर वेरी हेल्पफुल डेमो टॉपिक्स जो आपका सिलेक्शन 100% करा देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं हम बड़ों के लिए, बट बच्चों के लिए इन्हें उनके जीवन में उतारना, उन्हें सिखा देना टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी कि बच्चे को आप इसे कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। अगर आप बच्चे हैं तो भी शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इट इज
समथिंग एंड इट इज नॉट व्हिच यू आर अपियरिंग टू बी। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते चलना, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने टीचिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।